हज करके लोगों का पहला जत्था वापस कश्मीर लौटा। डीपकॉम श्रीनगर और डीसी बड़गाम ने किया स्वागत। रेपरेतल टीचर्स ने आज एग्जीबिशन ग्राउंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सेवंथ पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा। मांग पूरी ना होने पर दिया अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की धमकी। भूपेंद्र सिंह सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर रेपरेतल टीचर्स फोरम, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो हजारों की तादाद में जनरलाइन टीचर जो कि एसएसएस स्कीम के अंदर लगे थे 2003-4-5 में, और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने चाहे जिसकी भी सरकार रही उन्होंने उनको जनरलाइन टीचर बनाया, रेगुलेशन आर्डर उनको दिए और उनको जनरलाइन टीचर बनाने के बाद पूरे बेनिफिट दिए गए जो कि एक परमानेंट मुलाजम को होते हैं, और उसी तरह सिक्स पे कमीशन के बेनिफिट भी हमें मिले। लेकिन अफसोस की बात कि जो पिछली सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की, उन्होंने इतना हैरास किया हमें और हमें सेवंथ पे कमीशन का आज ये मसला है, उन्हीं का बनाया हुआ मसला है, और हमें जानबूझ के परेशान किया, एक कम्युनिटी को टारगेट किया, एक चूज करके जैसे पिक एंड चूज पॉलिसी होती है, चूज करके वहां से हमें टारगेट किया गया, और आज हम सड़कों में हैं। पिछले 6 महीनों से हमारी एक ही डिमांड है कि जिस तरह सिक्स पे कमीशन के बेनिफिट हमें मिले हैं ठीक उसी तरह सेवंथ पे कमीशन के बेनिफिट हमें दे दीजिए। और आज इस वजह से जो लोग हमारे जिनके 5 साल हुए हैं एजारिटी, उनकी रेगुलेशन आर्डर्स रुके हैं, बाकी लोगों को हो गए उनके आर्डर रुके, उनकी फाइलें दफ्तर में पड़ी हुई हैं, आज टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं हो रही है, इंक्रीमेंट जो हमें लग रही थी हर साल वो नहीं दे पा रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को चलाना चाहते हैं, ये हमें बताएं किस तरह से सिस्टम को संभालना चाहते हैं चलाना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं ये चेताना चाहूंगा गवर्नर रूल में जो जहां पे जो क्यादत सरकार चल रही है कि अगर आने वाले दिनों में अगर सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से हमारी सैलरी अगर आपने नहीं निकाली, बाकी जो भी हमारे इश्यूज हैं और हमें स्टेट बजट के साथ आपने डीलिंग नहीं किया, तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल सारे बंद कर देंगे, सिविल सोसाइटीज भी हमारे साथ है, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं हमें वो भी पूछते हैं कि आप स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हो, उनको भी दुख होता है कि हमारे शिक्षक जो हैं इनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। लिहाजा मैं एक बार फिर, आप देख रहे हो हजारों की तादाद में आज कश्मीर में और जम्मू में लोग इकट्ठे हुए हैं, और जब हम हक मांगते हैं, कश्मीर में पिछले दिनों हमने प्रोटेस्ट रखा था, हमारे ऊपर वहां लाठियां बरसाई गई और डंडों से पीटा गया, क्या जेल लोकतंत्र है, क्या जेल लोकतंत्र है हमारा देश जहां एक इंसान अपना हक मांगता है। हम कोई जेल नहीं कह रहे हैं कि आप हमें जम्मू में रहने के लिए क्वार्टर दे दो, हमारा पे ग्रेड में इजाफा कर दो, हमें और कोई आप नई चीज लागू करो जो कैबिनेट, हम वो मांग रहे हैं कि जो आपने सिक्स पे कमीशन हमें दिया है आप सेवन पे कमीशन हमें दीजिए। मुझे तो लगता है इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी साजिश है, शायद सरकारें नहीं चाहती, चाहे वो किसी की भी सरकार है चाहे गवर्नर रूल है, कि गांव के अंदर बच्चे नहीं पढ़े, शायद वो चाहते हैं कि जिस तरह 2000 से पहले का वक्त था अनपढ़ता थी ठीक उसी तरह अनपढ़ता अभी भी रहे। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से ये चेताना चाहूंगा कि अगर हमारे मसले शीघ्र हल नहीं हुए तो आने वाले दिनों में बच्चों सहित परिवार सहित और हमारे बुजुर्ग गांव के लोग सिविल सोसाइटी पूरा चक्का जाम कर देंगे। मचेली यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड की उठती मांग में आज एक मांग और जुड़ गई, जब ऑल इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष आशा चंदन ने आज प्रेस वार्ता रख मचेली यात्रा के दौरान सुविधाओं में कमी होने का हवाला देते हुए मचेली यात्रा श्राइन बोर्ड की मांग रखी। फैसला तो हमें यही चाहिए कि जो हमारे स्टेट के गवर्नर साहब हैं सत्यपाल मलिक जी, जैसे हमारे पहले गवर्नर साहब ने श्राइन बोर्ड के श्री वैष्णो माता जी को श्राइन बोर्ड ट्रस्ट के अंडर किया था, और श्री अमरनाथ यात्रा को उन्होंने श्राइन बोर्ड के ट्रस्ट किया था, ऐसे ही हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी श्री मचेल यात्रा है चंडी माता जी की, जब आने वाली छड़ी चलनी है अगले साल नेक्स्ट साल जब हमारी छड़ी चलेगी श्री मचेल माता जी की, तो श्री सत्यपाल मलिक जो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रस्ट के अंडर आनी चाहिए। क्यों मांग कर रहे हैं?
हाँ जी क्यों मांग कर रहे हैं? हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई नहाने का सिस्टम नहीं है। हमारी बेल्ट फोर्स की जो बहनें हैं वहाँ उनके नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनकी रहने की व्यवस्था है। जो हमारे बेल्ट फोर्स के भाई हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे इतनी बारिश होती है, इतने बारिश का माहौल बन जाता है, उनको एक टेंट दिए हुए हैं, उन टेंटों में लीकेज चलती हैं, जो दो महीना ढाई महीना जो हमारी छड़ी चलती है उनमें उनको गीले में सोना पड़ता है। बेचारों को टेंट जो है वो भी लीक हो जाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने कमरों के किराए बड़े रखे हुए हैं कि 800 रुपया, 600 रुपया, कोई उसकी वो तय नहीं है वो क्या रेट लगाएंगे। 700, 800, 900 रुपया उन्होंने एक दिन का किराया रखा हुआ है। जो मेरा बेल्ट फोर्स का जवान एक महीने में सैलरी लेता है तो वो रोज़ कैसे 800 रुपया उनको पे करेगा वहाँ का रहें। इसलिए मैं उनसे अपने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन मतलब जो ये ट्रस्ट है, ये जो श्री हमारी मचेल यात्रा है, ये श्राइन बोर्ड के अंदर आनी चाहिए और हर व्यवस्था जो है हमारे स्टेट के गवर्नर साहब करें। ऑल जीएन के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता रखने गवर्नर सत्यपाल मलिक से होमगार्ड की सैलरी रिवाइज करके बाकी प्रदेशों के मुकाबले करने की रखी मांग। मैं ऑल जीएन के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कमला शर्मा बोल रही हूं। तो हमें जो हमारे नए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी आया, हम होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन उनका वेलकम करती है अपनी जीएन के स्टेट में। और साथ ही हम एक उनसे अपील भी करेंगे कि जो बहुत गरीब फोर्स है जिनको आज स्टेट ने 545 रुपया देती थी, 9 दिन ड्यूटी लेती थी, लेकिन आज सरकार ने इनका 2700 रुपया किया है। लेकिन हमारी सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मानती है, ना हाई कोर्ट का, ना और गृह मंत्रालय का। हम उनसे एक ही अपील करेंगे कि हमें बताएं वो कौन सा आर्डर गवर्नमेंट मानती है। अब गवर्नर साहब आए हैं, गवर्नर साहब से एक ही अपील है कि जो हमारे जो आर्डर है, जैसे बाकी जैसे वो बिहार से ही आया है, बिहार में आज 24,000 रुपया सैलरी मिलती है और महीना पूरा ड्यूटी मिलती है और 12 महीने पूरी ड्यूटी मिलती है साल में। तो हम भी उनसे एक ही अपील करेंगे, हमें पूरे 30 दिन ड्यूटी चाहिए और साल की पूरे 12 महीने ड्यूटी चाहिए। जैसे अब डिजास्टर आता है तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ड्यूटी है वो हमारे होमगार्ड के जवान करते हैं। जैसे अभी यात्रा ड्यूटी थी लखनपुर से लेके आज अमरनाथ गुफा तक, हम लोगों ने 2-2 महीने ड्यूटी की है। आज ड्यूटी है वो भी अब 8 तारीख तक चल रही है। जैसे 15 अगस्त की ड्यूटी है, 26 जनवरी की ड्यूटी है, नवरात्रों की ड्यूटी है, कोई भी त्यौहार लॉन्ग आर्डर जो भी ड्यूटी होती है वो हम करते हैं। तो हम यही अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से जो मिनिमम पे है को जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है वो 21,000 है, वो 21,000 मिलनी चाहिए। और जो हमारे जवानों को 6 साल के बाद ब्रेक दी जाती है वो बंद होनी चाहिए और इनको रेगुलर ड्यूटी करनी चाहिए। क्योंकि अब जो लोग जिन्होंने पूरी उम्र इस होमगार्ड के लिए 25 साल दिए, आज वो कहाँ पे जाएंगे, उनके परिवार का क्या भविष्य है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं मोदी जी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो 2700 रुपए पे कौन सा मेक इन इंडिया, कौन सा डिजिटल इंडिया चलेगा। हम भी किसी की माँ बहने हैं, हमारे बच्चे भी आए पूछते हैं कि आप नौकरी करके आए हो क्या लाए हो, 2700 रुपए पे बच्चों की एक महीने की फीस भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर के पुलवामा में आज आतंकवादियों ने 44 आर आर्मी यूनिट का बंकर वाहन IED से उड़ाने की कोशिश की। ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों की तरफ से कुछ राउंड फायर भी की गए, लेकिन किसी के मरने की या इंजर्ड होने की कोई खबर नहीं है। एडवाइजर ने आज कई सारे डेलीगेशन से मिले और उनकी मसलों और मांगों को सुना। मौके पर मौजूद ऑफिसर्स को एडवाइजर ने इंस्ट्रक्शन देते हुए मसलों को हल करने की बात कही। बीस हजार केंद्रीय सुरक्षा बलों को प्रदेश में पंचायती इलेक्शंस के लिए भेजा जाएगा। 202 कंपनियां जो अमरनाथ यात्रा के लिए कार्यरत की गई थी, अब उन्हें इलेक्शंस के कामों के लिए कश्मीर में कार्यरत किया जाएगा।